हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 चैनल का DVR है जिसका मॉडल है आपका 0801F1-SC मॉडल है। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। ये इसको कैसे कन्फिगर करना है सो डैट कि आप पासवर्ड बहुत इजीली रिकवर कर सके विदाउट कॉलिंग एनी वेयर, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने DVR को लिया, ऑन किया हूँ, तो जैसा ये सेटअप आया है ये सेटअप आप सेट करेंगे। अभी मैं इसे सेट कर रहा हूँ, ये मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं इसे नेक्स्ट का बटन है, मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। ये पैटर्न है, पैटर्न आप ज़रूर बनाएं ताकि इनकेस अगर आप बार बार आप पासवर्ड डालने की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर करें सो डैट कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। फिर ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी सिक्योरिटी क्वेश्चन ज़रूर फिल कीजिए ताकि आप जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी करने में बहुत ही आपका ये मददगार होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भरूंगा और फिर ये क्वेश्चन जितने भी है, ठीक है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है, बर्थडे, फादर का नाम है, पेट नेम क्या है, वो अकॉर्डिंग टू आप अपना चॉइस सेलेक्ट कीजिए और फिल कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना मेल आईडी डाल दिया है, ठीक है, और ये मैंने सब में कॉमन पासवर्ड रखा है आंसर जो मैंने किया है सो डैट कि मुझे याद रहे, ठीक है। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो चॉइस है, आपको जो ऐसा याद है कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। नेम क्या है फ्रूट का आपका फेवरेट, वो रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सेव करना है, सेव करने के बाद आपको सेटअप विजार्ड आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और फिर नेक्स्ट पे, फिर यहाँ पे आप टाइम सेट कर लीजिए अपना अकॉर्डिंगली। जो आप अपने कंट्री का है वो है अपना 5+5:30, ये सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक ये टाइम आपको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर आपको टाइम भरना है यहाँ पर, अभी टाइम हो रहा है 16:36, ठीक है। ये मैंने डेट डाल दिया, टाइम फिल कर दिया, इसे नेक्स्ट कर देना है। ये नॉर्मल आपका ये कन्फिगर हो गया स्टार्टिंग में, फिर आप फिर आपको DVR में BNC लगाना है, फिर आपका वीडियो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर रिकवर कैसे करेंगे, जो मैंने मेल आईडी भेजा था उससे कैसे रिकवर करना है, क्वेश्चन सेट किया था उससे कैसे रिकवर करना है। सबसे पहले मेन मेनू में जाएंगे, ठीक है। अभी तो लॉगिन हो रहा है, मैं इसे लॉगआउट कर देता हूँ। अगर इनकेस अगर आप फिर से लॉगिन करेंगे तो ये लॉगआउट भूल जाएंगे आप, अगर ये भी पैटर्न आप भूल गए हैं, ठीक है, तो फॉरगेट पैटर्न। फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं मेन इंटरफेस पे, फिर आप इसका ही पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। फिर ओके दबाइएगा, देखिए ये है आपका इंस्टॉल QR कोड, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये QR कोड का है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको वापस आएगा यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, एक जो हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन फुल फिल पुट किया था वो आपका, तो यहाँ पे जब आप जो आंसर है वो आप वो डालेंगे, मैंने जो डाला था तीनों क्वेश्चन का आंसर, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आंसर डालने के बाद, ये देखिए न्यू पासवर्ड और ये फिल करने का आपको दे दिया। न्यू पासवर्ड में जो डालेंगे वही कंफर्म पासवर्ड करेंगे और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा, कहीं आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ओके मैंने दबाया। अब ये फर्स्ट मैंने आप सॉन्ग बताया आपको कि सिक्योरिटी कोड, ये आपका दूसरा है इंस्टॉल QR कोड। इसके लिए आपको DVR को ऑनलाइन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये मैंने लैन केबल अभी इस पे लगाया, ठीक है, अब करना क्या है कि आपको मोबाइल लेना है अपना जिसमें GSIMOB इंस्टॉल्ड होगा, और ये देखिए GSIMOB जब खोलते हैं ओपन तो ऐसा आता है आपका, ये इस पर आप जाएंगे, मोर पर जब जाएंगे तो ये देखिए रिसेट डिवाइस पासवर्ड का आपको ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले किया मैंने क्या, ये देखिए GSIMOB आपको इंस्टॉल करना है, ये GSIMOB आपने ओपन किया, फिर
इधर ना जा करके आप जहाँ से ऐड करते हैं आपको ये तीन जो लाइनिंग देख रही है आपको इस पर क्लिक करना है, मोर पर जाना है और रिसेट पासवर्ड डिवाइस पर जाना है। ठीक है, ये स्कैन करना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके कीजिए और ये देखिए प्लीज़ वेट पैरामीटर। अब तो वो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक जो है आपके मेल आईडी पे भेज देगा। वो मेल आईडी जब स्टार्टिंग में जब आप जो डालते हैं मेल आईडी, मैंने यहाँ डाला था मेरा जो मेल आईडी था manoj_lahiri@rathiru.com, इस पर ये ऑटोमेटिक पासवर्ड चला गया है। ठीक है, वो इंस्टेंट चला जाता है विदाउट डिले। ठीक है, और वो पासवर्ड जैसे ही अब जाता है फिर यहाँ पासवर्ड जब डालेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जब क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस आपका आएगा, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जैसे आपने प्रीवियस मैंने आपको दिखाया था सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद। ठीक है, उसके बाद इसे कैंसिल कर देना है। दो ऑप्शन हो गए आपको। तीसरा क्या है कि डिवियर का मॉडल नंबर, डिवियर का सीरियल नंबर और डेट एंड टाइम जो यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिखा रहा है वो आपको cctv.support@aditya.group.com पे आपको मेल करना है। तीन स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप आपका मैं बता रहा हूँ सॉर्टिंग। ये जो लास्ट स्टेप है तो जैसे आपको ये पता है कि आपको ये पासवर्ड नहीं पता है, आपने शुरू में मेल आईडी भी नहीं फिल किया है, आपने आपको कोई क्वेश्चन सेट नहीं किया, आंसर भी सेट नहीं किया है, सो एक ही ऑप्शन बचता है वो है हार्ड रिसेट का। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा लिखता है अकाउंट लॉग्ड रिबूट और ट्राई आफ्टर 5 मिनट्स, करना क्या है आपको, ठीक है, मैं टीजर यूज़ किया हूँ अभी। ठीक है, आप चाहे तो अल्मोनियम का या कॉपर का कोई भी हार्ड केबल जो थोड़ा सा हार्ड हो ताकि शॉर्ट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले DVR को ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो ऑप्शन आपका दिख रहा है J26, ये J26, ये जस्ट देखिए माउस के जस्ट बगल में भी है और ये HDMI स्लॉट है आपका उसके जस्ट, 1 नंबर 2 नंबर, ये वाला गलती से हिम्मत कीजिएगा, ये वाला ही कीजिएगा। तो अभी ये मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अभी ये ऑफ है, अब इसे पावर में दूंगा। याद रखिएगा पावर दिए हुए से शॉर्ट नहीं करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ऑफ कर करके फिर इसे शॉर्ट करना है, फिर आपको पावर लगाना है। अब ये देखिए बीप का आवाज़ आ गया 10 सेकंड के बाद, अब इसे निकाल देना है आपको। ये बीप की आवाज़ देगी डैट मीन्स कि ये रिसेट हो गया। अब इसे निकाल दिया मैंने, फिर से इसको हटा दिया और अब इसे जब दोबारा ऑन करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि स्क्रीन पे आपका, तो ये देखिए हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा हो तो लाइक ज़रूर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए ताकि लोगों को और ज़्यादा सुविधा हो। थैंक यू।